ना समझी काज फहमी हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए या नामालूम वजूहात की बुनियाद पर एक बार फिर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के बाइकाट के फैसले को बरकरार रखा। ये एक नहायत अफसोसनाक बात है कि जब से इमरान खान साहब सियासत में पैदा हुए हैं यही खेल खेल रहे हैं, और ये खेल पहली बार उन्होंने नहीं खेला। जब वो यहाँ धरने दे रहे थे एक झूठ की बुनियाद पर, तुमार की बुनियाद पर, उस वक्त भी उनके धरनों के बाइस पाकिस्तान का अजीम दोस्त चीन, उसके सदर जो पाकिस्तान आना चाहते थे और यहाँ 45-46 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के मुआहदे होने थे, वो इनके धरनों और इनकी डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं हो सके और कई महीने की ताखीर हुई। सो सी पैक के मंसूबों में जो ताखीर है, यानी पाकिस्तान के आम आदमी को बिजली की बिला तातुल फ्राहमी में जो ताखीर है, या रोड नेटवर्क बनने में जो ताखीर हुई है, या रेलवे के प्रोजेक्ट में जो ताखीर, सी पैक के हवाले से जहां भी ताखीर हुई है, उसकी जिम्मेदारी इमरान खान की बचगाना ज़िद्दी और अनापर सियासत पर आई होती है। सी पैक जो पाकिस्तान का और हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है, उसे मुतनाज़ा बनाने के लिए मिस्टर इमरान खान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। किसके कहने पे लगाया है, उनका मोटिव क्या है, सोच समझ से आ रही हैं या किसी के कहने पे करते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत में चले जाते हैं जहाँ सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो जाती है, ये वो बेहतर जानते हैं। इसी तरह आपको याद होगा, और मैं हम आपके तवसत से कौम को याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे मरहले पर जब कश्मीरियों ने अपने खून से एक बार फिर तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नया लबो लहजा अता किया है, एक नया आहंग अता किया है, जब हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी कौम की मुंतखब पार्लियामेंट ने उस पर एक स्टैंड लिया और हमने जॉइंट सेशन का फैसला किया, तो हमारी हैरत की इंतहा नहीं रही कि वो कश्मीर कॉज जिसके लिए तमाम पाकिस्तानी कौम, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी दौर हो, एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान का और वो कौम इकट्ठी है, तो इन्होंने उसका बायकॉट कर दिया। और इन्हें जब समझाने की कोशिश गई तो वही मैं ना मानू वाली पॉलिसी। और आप गवाह हैं कि इमरान खान की सियासत ने कश्मीर इशू पर, कश्मीर कॉज पर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का जो उन्होंने बायकॉट किया था, उससे भारतीय मीडिया को पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाने का मौका फराहम किया, और इंडियन मीडिया ने पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताया कि पाकिस्तानी कौम कश्मीर कॉज पर मुत्तहिद नहीं है। इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने कौम से माफ़ी नहीं मांगी। ये लोगों से बहुत माफ़ियाँ मंगवाते हैं, कहते हैं माफ़ी मांगो, खुद कभी माफ़ी नहीं मांगते। धरना शो नाकाम हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी था उसमें इमरान खान के इल्ज़ाम बातिल साबित हुए, माफ़ी नहीं मांगी। कौम के कई महीने बर्बाद किए, माफ़ी नहीं मांगी। तहरीक-ए- आज़ादी कश्मीर को अपनी ढिटाई से नुकसान पहुँचाया, माफ़ी भी नहीं मांगी, शर्मिंदगी भी नहीं होती। अजीब मट्टी के बने हुए लोग हैं ये। मेयर लंदन का इलेक्शन हुआ, मौसूफ ने खुल डुल के अपने एक साहब का यहूदी रिश्तेदार की डंके की चोट पर हिमायत की, मुकाबले में कौन था, एक पाकिस्तानी नेशनल जो उम्मीदवार है उसकी मुखालफत कर रहे थे और यहूदी की मदद कर रहे थे, ना शर्म आई ना माफ़ी मांगी। सियासत आके पाकिस्तानियों के वोटों से करते हो और मदद जाके यहूदियों की करते हो और फिर शर्माते भी नहीं हो, किस किस्म के आदमी हो। और अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान का बरादर मुल्क तुर्की, आप तुर्की जाएं, पता लग जाए कि आप पाकिस्तानी हैं। अगर आप में से कुछ लोग गए हैं तो उनको उसका अंदाज़ा होगा। मैं तो एक बार गया और मुझे फ़ख्र हुआ वहाँ जाकर पाकिस्तानी होने पर, कि वो आपको कहते हैं आप हमारे दोस्त नहीं हैं, बरादर हैं, क्योंकि पीछे एक तारीख है जो तरीके खिलाफत से शुरू होती है, बल्कि उससे भी पहले की तारीख है, हमारी हिस्टोरिकल टाइज है उनके साथ। तो उस कौम को जिनके बच्चों को उनके घरों में पाकिस्तान से प्यार का दर्स दिया जाता रहा, उस कौम के रहनुमा आ रहे हो और
मुंतखिब पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो। यह कोई वज़ीर आज़म साहब ने ज़ाती दावत नहीं दी, लेकिन इमरान खान अगर आपको ये भी नहीं मालूम कि किसी की ज़ाती दावत में और मुंतखिब पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का क्या फ़र्क है, तो सियासत किधर करते हो भाई? लोकाटे बेच लो, कोई और काम कर लो, या आप जाओ वापस से फास्ट बॉलिंग की कोचिंग कर लो जाके। सियासत तो बड़ा सेंसेबल काम है, ये तो महज ज़िद अना और इल्ज़ाम तराशी का नाम नहीं है, गालियां निकालने का नाम नहीं है। आपको मालूम ही नहीं है आप लोगों को सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं, मगर आपके अपने हालात हैं कि आपकी हम आंकते हैं या फिर आप जान के करते होंगे। ये आप पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं और पाकिस्तान के कौमी मुफादात के लिए आप बार बार ख़तरा बन रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि टर्किश एम्बेसडर से भी इनके डेलीगेशन की मुलाकात हुई। ज़ाहिर है टर्किश एम्बेसडर हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार तो किया होगा कि आपको जाना चाहिए, अव्वल तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, और जब आपकी मुलाकात हो गई थी तो आप उन्हीं पर रख के आ जाते, खुद ही को ख्याल कर लेते। आज आ गए हैं और बड़े तुम तराक के साथ कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, कि जी वज़ीर आज़म साहब को इंडोर्स नहीं करना। अरे भाई इमरान, आपकी इंडोर्समेंट की नवाज़ शरीफ साहब को क्या ज़रूरत है? वो पहली बार वज़ीर आज़म बने हैं, नए नए सियासत में आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम पे इस मुल्क में वोट पड़ते हैं, चौथी दहाई उनकी सियासत को हो गई है, आपकी इंडोर्समेंट की ज़रूरत है उनको? वो मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म है। हाँ, आप पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में आते हैं और अगर अब भी आ जाएं और अपना फ़ैसला बदलें तो हमें खुशी होगी, कि आप कम अज़ कम एक बरदर मुल्क को अच्छा सिग्नल जाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि आज उन्होंने जो रीज़निंग की है बायकॉट की, कि हमारे कारकुनों पर जी वो उनको मारा पीटा है जी, वो परवेज़ खटक को आने नहीं दिया। परवेज़ खटक यहाँ पे बतौर वज़ीर आला आ रहे थे या बतौर हमलावर के आ रहे थे? हमलावर बन के आओगे तो फिर ट्रीटमेंट मिलेगा, और अगर आओगे वज़ीर आला बन के तो प्रोटोकॉल मिलेगा। ये थोड़े हैं इस्लामाबाद पिंडी को सील करने आ जाओ, लॉक करने आ जाओ और आपको फूलों के गजरे पेश किए जाएँ। आपको तो कुछ कहा ही नहीं गया, आपको तो सिर्फ रोका गया है, क्योंकि यहाँ जो 50 लाख लोग बसते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, या सिर्फ ये अनोखा लाडला आसमान से ज़मीन पे उतरा हुआ है, जो कहता जाएगा वो ठीक है बाकी सारे बेवकूफ़ हैं, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे इस्लामाबाद और पिंडी को प्रोटेक्ट करने में, और इनके जो नापाक अजाइम थे जो फस ये क्रिएट करना चाहते थे वो फस क्रिएट नहीं हुई। कोई अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है, और स्टेट ने कम अज़ कम ताकत का इस्तेमाल किया ताकि ये फितना ना फैला सके। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीटीआई अब एक ऐसा ग्रोह बन चुका है जो फसाद फिलर्स के सफ में शामिल हो चुका है, ये सिर्फ फितना और फसाद करते हैं, और जब इनसे पूछो कि ये तुम क्या करते हो तो कहते हैं कि हम तो खैर के काम करते हैं, ये उन लोगों में शामिल है। तो हमें ये भी कहना है कि खान साहब आप डायलॉग ही बोलते रहते हैं कि फलां करप्ट है, फलां करप्ट है, सबूत तो आप लाते नहीं हैं, और जब सबूत लाने की बारी आती है तो रद्दी के टोकरे उठा के आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाते हैं, सबूत की बजाय कचरा ले जाते हैं वहाँ पे, और फिर जब 3 वॉल्यूम लेके जाते हैं तो खुद ही शर्मसारी होती है आपके वकील को, तो वो कहते हैं जी ये 2 वॉल्यूम तो एक तरफ कर दें, अगर वो पेश नहीं करने थे तो लेकर क्यों गए थे, किस लिए लेकर गए थे, पढ़े लिखे लोग नहीं हो? इतना जो तुवार बांध दिया और तूफान खड़ा कर दिया पूरे मुल्क को इस बात पर कि जी ये तो पनामा में बहुत बड़ी कोई नवाज शरीफ साहब ने खराबी कर दी है, तो सबूत कोई नहीं था, हेयर से पे काम करते हो। और आप ये देखेंगे किस तरह के सबूत हैं, कि पहले सबूत आप लेके जाते हैं अदालत में, और फिर जब अदालत में जाके आप देखते हैं कि अदालत तो अदालत है, वो तकरीर पर तो बात नहीं करती, वो तो ठोस दलाइल और सबूत पे बात करती है, तो अपने सबूत लेके वापस भाग जाते हो, ये इनकी कारकर्दगी है। अब हमें कुछ बात करनी है जी, मेरे कलीग्स ने बात करनी है, तो मैं ज़रा थोड़ा फोकस्ड बात करना चाहता हूँ, फिर सवाल जवाब पे भी हम आएंगे। कि ये जो एक कहानी तोता मैना की बनाई है, जिसमें कभी एतज़ाज़ आसम साहब अपनी जलन निकालते हैं, और वो जलन जो है वो जब वो बात करते हैं उनके चेहरे पे आती है नज़र, ऐसे थे तो नहीं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, शायद इबरतनाक शिकस्त ने उनको ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया है, उन्हें नज़र आ रहा है कि एक बार तो सीट निकल आई थी PMLN की मेहरबानी से, अगली बार शायद वो इमरान खान साहब की मदद लेना चाहते होंगे, उनको खुश करने के लिए ऐसा करते हैं, न जाने उनका क्या मामला है वो जाने, लेकिन यही हाल ये पिंडी वाले आदमी का है, जो रावलपिंडी का जो
नाम निहाद फरजंदे पिंडी है। जब निकलने की बारी आती है तो एक मोटरसाइकिल निकलती है, चार आदमी निकलते हैं और पांचवी तोंद निकलती है, निकलता ही कुछ नहीं है। वैसे मौसूफ अपने आप को फरजंदे पिंडी कहते हैं और ख़ुद एक इमरान खान साहब है। इनका जलन का इलाज मैंने दोपहर को भी कहा, हमारे पास ऐसी कोई बर्नौल नहीं मौजूद जो इनको लगा दें जिससे इनकी जलन ठीक हो जाए, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इनका कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो इनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कोई ऐसा एक कोई दवाई मिलनी चाहिए जिससे इनके जलापे का इलाज हो, वरना ये अपने लिए भी ये मसला बने रहेंगे, कौम के लिए भी ये लोग अजाब बने रहेंगे। तो लोगों ने हर वक्त ये झगड़े तो नहीं देखने हैं, लोगों तो वोट देते हैं भी हमारे मसले हल करो, काम करो, मुल्क को आगे लेके जाओ। ये अपना भी वक्त ज़ाया करते हैं, हमारा भी वक्त ज़ाया करते हैं। अब भी हम जो बैठ के बात कर रहे हैं इनके ऊपर बात करने की बजाय इस पर और 100 बातें कर सकते थे, लेकिन जब ये मीडिया में आते हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे लगता है ये सर्कस चल रही है। एक उधर से छलांग लगाता है उधर चला जाता है, एक वहाँ से झूलता हुआ आता है उधर चला जाता है। तो ये जब सर्कस करेंगे तो हम सर्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली हमें जवाब देना है पाकिस्तानी कौम को, वरना अगर हम खामोश रहेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं ये झूठे हैं जो बात नहीं करते। तो इस मजबूरी के तहत हमें रिएक्ट करना पड़ता है, हमें शौक नहीं है ना, हमारे पास इतना वक्त है कि हम इमरान खान या शेख